हम आए हुए थे मार्केट, और मार्केट में हम ना रिक्शा में बैठे हुए थे। क्या किए हैं? कौन बदतमीज़ इंसान, कुछ भी देखते हैं मार्केट में, कुछ खरीदता है। एक कॉमन सी बात है, पैसे भी मतलब वो स्टॉकिंग होती है, वन पीस के नीचे डाली जाती है बदतमीज से। हाँ, आते ही इनकी डिमांड शुरू हो गई भाई, मार्केट में आ गए, अच्छी अच्छी चीज देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ दिखा देती हूँ, जो मेन है मैं रनू और परी के लिए लेके आई हूँ। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी व्लॉगिंग करनी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ रीज़न क्या है। रात को अचानक 2 बजे रात के मेरे हस्बैंड को ना बहुत तेज़ फीवर आ गया, और वो शिवर करने लग गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बहुत तेज़ मुझे आवाज़ लगाई कि मोटी सर्दी लग रही है, काँप रहा हूँ मैं, कंबल दें। तो मैंने एक कंबल उठाया, फिर भी ठंड नहीं रुकी, फिर एक और कंबल उठाया, फिर भी ठंड नहीं रुकी, और फिर मैं ऊपर से जाके एक कंबल और लेके आई, वो उठाया। फिर मैंने अपने देवर को फ़ोन किया रात को, और वो PCM लेके आया। अप्रॉक्स 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा मैंने उनका सर्वर दबाया, तब जाके उनको अच्छा फील हुआ और फिर वो सो गए। एंड देन मैंने कहा कि नहीं, आप सुबह डॉक्टर को ज़रूर दिखा के आना, कंसल्ट करके आना। मैं नन्नू की वजह से साथ नहीं जा पाई, क्योंकि नन्नू बहुत चिड़चिड़ी हो रखी थी, रो रही थी, और उस हॉस्पिटल में नन्नू को ले जाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना प्रेग्नेंट वीमेंस और बच्चों का एंट्री अलाउ भी नहीं होती है उस स्पेशल उस डॉक्टर वाले एरिया में, जहाँ कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा होता है या वहाँ पर आते हैं कैंसर पेशेंट। तो इसलिए मैं नहीं गई। एंड अभी मेरी जस्ट बात हुई है उनसे, कुछ टेस्ट वेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, एंड होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। अभी जितना उन्होंने खुद चेक किया, उन्होंने बताया कि प्लेटलेट्स थोड़ी सी कम है, 1,25,000 के करीब कुछ प्लेटलेट्स है। होप फॉर द बेस्ट, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। थोड़ी सी टेंशन हो रही है बस, रात को पूरी रात नहीं सो पाई मैं, 4 बज गए थे सुबह तक के, और फिर फाइनली जब इनका बुखार उतरा, एकदम पसीने पसीने आ गए थे इनको, तब इन्होंने कहा तो थोड़ा रेस्ट कर, बट नहीं, नींद आ पाई, और अपने आप ही फिर मेरी आँख लग गई पता नहीं कब, और फिर सुबह 7 बजे या 6 बजे मेरी आँख खुल गई थी। एंड देन मैंने इनको देखा, सही थे, आराम से अपना सो रहे थे, ठीक है। बी पॉजिटिव, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, भगवान जी माता रानी सब ठीक करेगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मार्केट गए थे तो मैं बच्चों के लिए क्या लेके आई हूँ, वो चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, एक दो चीज़ें। ये ड्रेस मैं परी की लेके आई हूँ, ये परी के पापा ने पसंद की थी परी के लिए, अच्छी ड्रेस है, बहुत प्यार से खरीदी है उन्होंने। ये नन्नू की ड्रेस है, ये भी परी की ड्रेस है, उसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो ये ड्रेस भी परी के लिए उन्होंने चूज़ की है। ये सारी ड्रेसेस बहुत महंगी हैं, ये 1700-1400 की है, 1370। इसके साथ पर्स, एक पर्स ये मैंने अपने ले लिया था, हो गया दीदी ठीक, और एक पर्स
ये लिया था मैंने अपने लिए, सुंदर लगा मुझे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया। मैं वहाँ से आई हूँ तो मम्मी ने जो मुझे कपड़े दिए हैं, मैं 4-5 दिन रुक के आई हूँ, वो कपड़े आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सूट लाई हूँ मैं, एक तो ये सूट दिया है, चंदेरी का सूट है ये। फिर एक ये साड़ी, ये टिशू में साड़ी है, कुछ टिशू का फैब्रिक है। एक ये साड़ी ली है मैंने अपने लिए, बहुत प्यारा कलर है इसका, ये गीतों में डालूँ मैं, रेडी करवाऊँगी। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोनों बच्चों का कुआं पूजन निकल चुका है 2 अप्रैल, तो बच्चों का भी फंक्शन निकल चुका है 2 अप्रैल को निकला है, 2 अप्रैल का निकला है, बेटी का भी बेटे का भी कुआं पूजन। और अभी इनविटेशन दे रही हूँ मैं सबको, कॉल किया है, लेकिन अभी दिमाग मेरा वहीं पर है कि सब कुछ ठीक हो और रिपोर्ट्स आएगी जैसे ही। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी, अपडेट दूंगी रिपोर्ट्स का क्या है। अभी तक तो जितना मेरे हस्बैंड ने देखा है उनको समझ आया, उन्होंने बताया प्लेटलेट्स 1,25,000 के करीब है। लास्ट टाइम जो 2-3 महीने पहले CBC करवाया था उसमें 1.5 लाख से ऊपर थी प्लेटलेट्स, और पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। अब 2 दिन से ना तबीयत ख़राब बोल रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी वर्कआउट इतना ज़्यादा करते हो एकेडमी में, थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं भी ना बात बात पे गुस्सा करती रहती हूँ इनको, ऐसे नहीं करते हो। अच्छा जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपडेट दूंगी। मैं आप लोगों को अपनी माता रानी दिखा देती हूँ। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशियाँ दे आपके घर परिवार में। तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पीऊँगी, सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है। नन्नू को से भी आप लोगों को मिलवा देती हूँ मैं, नन्नू सो रही है। अब मैं आप लोगों को एक दो आउटफिट दिखाती हूँ, चलो मैं आप लोगों को उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग ही दिखा दूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ कोलैबोरेशंस के अच्छे अच्छे कप फैब्रिक वगैरह आए हुए वो सब दिखाऊँगी। अब मैं पीती हूँ कॉफ़ी, करती हूँ ये इस ब्लॉग को करती हूँ यही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ और उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को बताऊँगी।